कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, या फिर यूं भी कह सकते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। आत्मनिर्भर भारत की सोच तो प्रधानमंत्री मोदी की है, लेकिन उनकी ये सोच अब कारवां बन चुकी है, क्योंकि 130 करोड़ हिंदुस्तानी इसके साथ जो जुड़ चुके हैं, कभी असंभव से दिखने वाले सपने भी अब साकार हो रहे हैं। ऐसा ही एक सपना साकार होने जा रहा है, स्वदेशी 5G सॉल्यूशन का। ये सपना भी ऐसा है जिसने हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन को तगड़ा झटका दिया है। जो काम चीन की कंपनी हुआवे करने वाली थी, वो काम अब भारत की कंपनी रिलायंस जियो करेगी। रिलायंस ने जियो के स्वदेशी 5G सॉल्यूशन के तैयार होने का ऐलान कर दिया है। ये स्वदेशी 5G सॉल्यूशन सिर्फ देश के ही काम नहीं आएगा, बल्कि इसका निर्यात भी किया जाएगा। रिलायंस जियो ने 5G सॉल्यूशन को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्पित किया है। इसे अगले साल तक पेश किया जाएगा। ये 100% मेड इन इंडिया होगा। मेड इन इंडिया 5G सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं आप? ये वो काम है जिसे अमेरिका भी अभी तक ठीक से कर नहीं पाया है। सिर्फ चीन को ही इसमें सफलता मिली है, और अगर भारत इसमें कामयाबी हासिल कर लेगा तो ये चीन को सबसे करारा जवाब होगा। एक तरफ जहां भारत तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है, तो वहीं चीन की कंपनी हुआवे पर डाटा चोरी के आरोप लग रहे हैं। यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों ने हुआवे को बैन कर दिया है। मोदी का देश से प्यार है ही ऐसा, वो भारत को दुनिया का सिरमौर बनाकर ही दम लेंगे और देश के दुश्मनों को मिटाकर ही दम लेंगे।